नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, उसने कहा कि मैं तेरा दोस्त हूं, उसने कहा कि मैं तेरा दोस्त हूं, उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। टॉपिक छोटे छोटे हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों ये बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कुरुक्षेत्र को हरी क्षेत्र किसमें कहा गया था? महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था? जीसी अवस्थी ने क्या कहा था? राउल सांकरत्यान ने हरियाणा को क्या कहा? पुष्यप दंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को क्या कहा गया? तो इससे रिलेटेड टॉपिक है ना, बेहद खास टॉपिक है। देखने में आसान लगेगा, लेकिन क्वेश्चन यहां से जरूर बनेंगे। जय मां सरस्वती का नाम लेके ना आज हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले ना अगर मैं बात करूं, हरियाणा शब्द है ना, हरियाणा इसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? चाहमण नामक ग्रंथ में ना सबसे पहले है ना हरियाणा शब्द का क्या मिलता है, हमें वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन आया था, हरियाणा शब्द का वर्णन सबसे पहले किस में मिला था? चाहमण नामक ग्रंथ में मिला था। एक ये क्वेश्चन आता है डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा था? तो डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को कहा था आर्यना। क्या कहा था प्यारे बच्चों? आर्यना। आर्यनों का अर्थ क्या होता है? आर्यों का घर होता है। क्या होता है? आर्यों का घर होता है। और आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत है ना, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति का सिद्धांत जो सबसे ज्यादा अच्छा माना गया था, वो सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स मूलर ने दिया था। क्या दिया था? मैक्स मूलर ने दिया था। मैक्स मूलर ने कहा था आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। लेकिन ना अलग अलग इतिहासकारों ने अलग आए कहा है, जैसे मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अलग बताया था, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जी ने अलग बताया था, ठीक है। कर्मश्य एक इन्होंने कहा था कि आर्य सुमेरु पर्वत से आए थे, और इन्होंने कहा था आर्य तिब्बत से आए थे। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए थे, लेकिन ये पेपर में आता है आर्यों का अर्थ क्या होता है? आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? आर्यों ने अनार्यों को हराने का क्या किया था, काम किया था। तो डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को क्या कहा था? आर्यना। आर्यों का घर, आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो सर्वमान्य है वो मैक्स मूलर ने दिया था। अब बात आती है प्यारे बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है, आगे एग्जाम में। जी सी अवस्थी ने हरियाणा को क्या कहा था? तो जी सी अवस्थी ने हरियाणा को कहा था ऋग्वेद से उत्पन्न। क्या कहा था? हरियाणा को ऋग्वेद से उत्पन्न। जी सी अवस्थी ने हरियाणा को क्या कहा था? ऋग्वेद से उत्पन्न। हरियाणा को जीसी अवस्थी ने कहा था, ऋग्वेद का नाम आए तो ऋग्वेद में जो हरियाणा का ना सबसे क्या माना जाता है, हरियाणा का या भारत का सबसे पुराना वेद माना जाता है, और ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया? रज हरियाणे के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया था? तो ऋग्वेद में हरियाणा को प्यारे बच्चों रज हरियाणे कहा गया। जीसी अवस्थी ने हरियाणा को क्या कहा था? जीसी अवस्थी ने हरियाणा को कहा था कि हरियाणा की उत्पत्ति किससे हुई है? ऋग्वेद से उत्पन्न माना था। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। इसमें हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया। एक बार आया था हरियाणा का सबसे पुराना ग्रंथ कौन है, उसमें भगवत गीता भी था, ऋग्वेद था। HSSC ने ऋग्वेद को महत्व दिया था। अगर मैं बात करूं महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया था? बहुधान्य कहा गया था। क्या कहा गया था? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। एक बार पूछा गया बहुधान्य का अर्थ क्या है, तो अत्यधिक समृद्ध भूमि होता है। बहुधान्य का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक समृद्ध भूमि बहुधान्य कहलाती है। और कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि है ना, कुरुओं द्वारा, ठीक है, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि है ना, क्या कहलाई थी? आदि रूपा कहलाई थी। कई एग्जाम किताबें आदि प्रभा कहती है, तो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि ये कहलाई थी। और ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था? महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहा था? हरना कहा था। क्या कहा था? हरना।
और हरना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लूटना होता है। तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा को क्या कहकर संबोधित किया था? तो महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा था। हरना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? लूटना होता है। क्या होता है? लूटना। किसने कहा था? महाराज कृष्ण ने। अब यहां पर प्यारे बच्चों, अगर अभी होली स्पेशल ऑफर चला हुआ है और वहां पर ना आप कम से कम 50 टेस्ट सीरीज 199 रुपए की ले सकते हो, सीईटी का रिकॉर्डेड बैच 549 का और लाइव बैच 849 का ले सकते हो। 7478400047 कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा। 22 टीचर की टीम रहेगी, हर सब्जेक्ट के 2 टीचर रहेंगे। होली तक ये ले सकते हो प्यारे बच्चों। अच्छा लगे तो देखना, महाराज कृष्ण ने हरियाणा को हरना या लूटना कहा था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे राहुल शंकर त्यान ने हरी धान्य किए पेपर में किस एग्जाम में आया था? मैं बताता हूं, ये एग्जाम में आया था मंडी सुपरवाइजर में। हरी धान्य के किसने कहा था? राहुल शंकर त्यान ने। राहुल शंकर त्यान ने हरियाणा को क्या कहा था? राहुल शंकर त्यान ने हरियाणा को क्या कहा था? हरी धान्यक किसने कहा था? हरियाणा को राहुल शंकर त्यान ने कहा था। और पुष्यप दंत द्वारा, पुष्यप दंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को क्या कहा गया? पुष्यप दंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरि याणव कहा गया था। पुष्यप दंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को क्या कहा गया था? तो पुष्यप दंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणव कहा गया था। और बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में, बाण भट्ट द्वारा रचित महापुराण में, ये हर्षचरित्र में, बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में हरियाणा को क्या कहा गया था? तो इन्होंने क्या कहा था? बाण भट्ट ने अपनी हर्ष चरित्र में हरियाणा को क्या कहा था? तो हरियाणा को प्यारे बच्चों श्रीकंठ जनपद कहा था। हरियाणा को क्या कहा था? श्रीकंठ जनपद कहा था। हरियाणा को क्या कहा था? श्रीकंठ जनपद किसने कहा था? बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा गया। और बाण भट्ट ने ना प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा था? बाण भट्ट ने कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा था? श्रीकंठ जनपद कहा था। क्या कहा था? कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहकर संबोधित किया था। किसको? श्रीकंठ जनपद कहकर संबोधित किया था। एक बार पेपर में पूछा था, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभी हरियाणा कहा था, हरियाणा को डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा था? अभीर अभीर याना किसने कहा था? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को, ये पेपर में पूछा गया था, अभीर याना कहता था। और यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियल कहा था, ये भी क्वेश्चन आ गया। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया था? हरियल कहकर संबोधित किया था। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहकर संबोधित किया था? तो यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियल कहा था। एक एग्जाम में ये पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। जीसी अवस्थी ने बताया ऋग्वेद से उत्पन्न कहा था, ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया। बाण भट्ट द्वारा रचित ये पेपर में आ गया। राहुल सर एक आर्यों द्वारा देवभूमि कहा गया था। आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा था? आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा था? देवभूमि कहा था। ये याद कर लेना, आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा था? तो आर्यों ने हरियाणा को क्या कहकर संबोधित किया था? तो आर्यों ने हरियाणा को ना देवभूमि कहकर संबोधित किया था। ये एग्जाम में आ सकता है, आर्यों ने हरियाणा को क्या कहकर संबोधित किया था? देवभूमि। और ये आ सकता है, नानक चंद शर्मा ने आयणिक कहा था। नानक चंद शर्मा ने हरियाणा को क्या कहा था? आयणिक कहा था। क्या कहा था? आयणिक कहा था। किसने हरियाणा को आयणिक कहकर संबोधित किया था? नानक चंद शर्मा ने हरियाणा को क्या कहकर संबोधित किया था? आयणिक कहकर संबोधित किया था। एक एग्जाम में आया था, हरियाणा को हरियल किस में कहा गया था? हरियाला। ये स्कंद पुराण में कहा गया, हरियाणा को हरियाला किस में कहा गया था? हरियाणा को हरियाला प्यारे बच्चों स्कंद पुराण में कहा गया था। हरियाणा को
पुराणों की संख्या आप 18 पढ़ते हो ना, हरियाला के स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया? हरियाला मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया, स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या कहकर संबोधित किया गया था? तो स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को प्यारे बच्चों हरि क्षेत्र कहकर संबोधित किया गया। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया था? हरि क्षेत्र कहा गया था, ये पेपर में आ चुका है। और एक बार पूछा गया था हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा था? यदुनाथ सरकार ने। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के क्षेत्र को क्या कहा था? हरियल कहा था। क्या कहा था? हरियल। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के क्षेत्र को क्या कहकर संबोधित किया? हरियल। देखने में प्यारे बच्चों ये आपको छोटा टॉपिक ले सकता है, लेकिन इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है, और आगामी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 101% आपसे पूछे जाएंगे। मैं तो कहता हूं कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपका गलत है, नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, और हमेशा ना पॉजिटिव इंटेंट के साथ पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे। लेकिन ना आपको एक कैसा लग रहा है कि ये छोटे छोटे टॉपिक, प्यारे बच्चों एक छोटा टॉपिक से ही सिलेक्शन हो जाते हैं, और छोटे टॉपिक के कारण सिलेक्शन रह जाते हैं, हर एक नंबर जरूरी है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर का मैं समापन करता हूँ, कल आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और किसी भी हाल में एजुकेशन को बंद मत होने देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।